आदाब। उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज के लेक्चर का मौजू है उर्दू अफसाना, तारीफ, खसूसियात, आगाज़ और इर्तका। ये आपके पहले पर्चे उर्दू नसर का तीसरा ब्लॉक है और उसकी इकाई 9 है। तो जैसा कि किससे कहानियाँ सुनना इंसानी ज़िंदगी का अहम मशगला रहा, जिस दौर में इंसानों के पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसे ज़राए मौजूद नहीं थे जैसे आज हैं, सिनेमा है, रेडियो है, तो इंसान किससे कहानियाँ कहता और सुनता रहता था। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। उसी की एक शिक है, एक सिन्फ है अफसाना, उस पर आज बात होगी। तो जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है अदब। जो भी लिटरेचर हमारे पास मौजूद होता है, चाहे वो शेरी पैराए में हो या नसरी पैराए में हो, उसे हम अदब कहते हैं। उसकी दो किस्में बनाते हैं, नज्म और नसर की, फिर अफसानवी और गैर अफसानवी नसर में, फिर उसी अफसानवी और गैर अफसानवी में से अफसानवी की एक किस्म है अफसाना, जैसा कि जाहिर हो रहा है दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा, तो इसी की एक किस्म है अफसाना। अब हम सिन्फ अफसाना की तारीफ पढ़ते हैं कि अफसाना कहते किसे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी लफ्ज़ या इस्तिलाह जब वजूद में आती है तो उसके लघवी माना भी होते हैं और उसके इस्तिलाही माना भी होते हैं। अफसाने के लघवी माना आप डिक्शनरी में देखेंगे तो कहीं तहरीर लिखा हुआ है, कहीं किस्सा कहानी लिखा हुआ है, कहीं झूठी कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन अफसाना दरअसल इन सब पर इसका इतलाक़ होता है। किस्से और कहानियाँ जिसमें कोई वाक़े का बयान किया जाए, वो वाक़या खास सच्चा हो या झूठा, तो उसका इतलाक अफसाने पर होता है। तो अफसाने की जो सिन्फ है वो बहुत उसाहत रखती है अपने अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है बतौर एक सिन्फ अफसाने को हम उसकी शनाख्त करेंगे, उसके जो लवाजमात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लफ्ज़ फिक्शन जो है, फिक्शन अफसाना, अफसाने के लिए फिक्शन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी के, और फिक्शन का लफ्ज़ बहुत वसी मफहूम का हामिल है। उसमें दास्तान भी आता है, उसमें नावल भी आता है, उनके यहाँ एपिक का भी मामला आता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ अफसाना जो है वो भी इसी तरह के मौजूआत से मुतसिल होता है। तो उसमें दास्तान, नावल और ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी जो होती है, वो सब चीज़ें अफसाने के तौर पर कही जा सकती हैं। लेकिन चूंकि अफसाना बतौर एक सिर्फ भी मौजूद है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे नज्म। हम जब कहते हैं कि अदब की दो किस्में हैं, नज्म और नसर, तो नज्म बतौर एक सिर्फ भी मौजूद है और जो हिस्सा शायरी का है उसे नज्म भी कहा जाता है। तो मुख्तसर अफसाना जो होगा उसके मौजूआत होंगे और उसकी एक हयत होगी। सिन्फ के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक मौजू का होना ज़रूरी है और एक उसकी हयत का होना ज़रूरी है, किस्मों के लिए ज़रूरी नहीं है। जब ये कहते हैं कि ये शेरी अकसाम हैं तो अकसाम के लिए किसी एक शय का होना ज़रूरी है, लेकिन सिन्फ के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी मवाद का, मौजू का और हयत का। अब तारीफ पढ़ते हैं हम, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की तारीफ है कि मुख्तसर अफसाने की तारीफ नसरी फिक्शन की एक ऐसी किस्म जो नावल के मुकाबले में ज़्यादा भरपूर, मजबूत और जज्बात से ममलू होती है। हयत के बारे में नहीं कहा गया, जो नावल से ज़्यादा भरपूर, मजबूत और जज्बात से ममलू होती है। जॉन हेडफील्ड ने अफसाने की तारीफ ये की है, अ स्टोरी दैट इज नॉट लॉन्ग, यानी शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी कहानी वो है जो बहुत तवील ना हो, इज नॉट लॉन्ग। एच जी वेल्स की तारीफ है कि द शॉर्ट स्टोरी एज एनी पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन दैट कुड बी रीड इन हाफ एन आवर। अब इन्होंने देखी, इनकी तारीफ एच जी वेल्स की बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। ये कह रहे हैं कि ऐसी कहानी जो एक से आधे घंटे में पढ़ ली जाए, लेकिन अभी मैंने पहले कहा कि किसी भी सिन्फ के लिए ये तारीफ नहीं हो सकती है कि वो कितना मुख्तसर होगा। कोई जखामत जो होती है, उसकी मोटाई, वो ये तय नहीं करेगी कि ये कौन सी सिन्फ होगी। सिन्फ के अंदर उसका मौजू और उसका मवाद, ये दो चीज़ें तय करेंगी कि वो कौन सी सिन्फ होगी। अब इसके बाद हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। वक़ार अज़ीम ने फ़न अफसाना निगारी, दास्तान से अफसाने तक, अनवार अहमद ने अफसाना एक सदी का किस्सा, इसी तरह मिर्ज़ा हामिद बेग ने लिखी है एक किताब उर्दू अफसाने की रवायत, तो बहुत सारी किताबें हैं। तो उसमें से हम एक तारीफ़ अपने उर्दू अदब से लेते हैं जिसमें कहा गया कि अफसाना
कहानी में पहली मर्तबा वहदत की अहमियत का मजहर बना। अब वहदत क्या चीज़ है? वहदत कहते हैं यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि पढ़ने के बाद कोई एक चीज़ निकल करके हमारे जहन पर असरअंदाज हो, उसे कहा जाता है कि ये कहानी की वहदत। तो किसी एक वाकया, एक जज्बा, एक एहसास, एक तासुर, एक इस्लाही मकसद, एक रूहानी कैफियत को इस तरह कहानी में बयान करना कि वो दूसरी चीज़ों से अलग नुमाया हो, कि पढ़ने वाले के मकसद, जज्बात और एहसास पर असर अंदाज हो। तो गोया कि इस पूरी कहानी से, इस पूरे तारीफ़ से आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि अफसाने का जो कैनवस है वो मुख्तसर है, वो नावल की तरह या दास्तान की तरह बहुत तूल तवील नहीं है, बहुत मुख्तसर है। और उस मुख्तसर से कैनवस पर हमें कहानी को मुंतकिल करना है। तो जाहिर सी बात है, किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी को आप अफसाने की शक्ल में ढाल नहीं सकते हैं। तो आपको उसकी ज़िंदगी के या अपने माशरे के या किसी इंसान या किरदार के किसी एक वाकये को लेना होगा आपको, या किसी एक तासुर को अफसाना बनाना होगा, या किसी एक मौजू को, मुख्तसर मौजू को चुन करके आपको उसकी शक्ल देनी होगी। तो वो उसात आपको अफसाने के अंदर नज़र नहीं आएगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि मौजूआत होते हैं और हयत होती है। मौजूआत मुतय्यन नहीं है, अफसाने के लिए हो, दास्तान के लिए हो, या किसी भी तख्लीकी सिर्फ के लिए मौजूआत का तायुन सिर्फ हमारे यहाँ दो असनाफ ऐसी हैं जिनके लिए मुख्तस किया गया है, वो है मरसिया और कसीदा। लेकिन बाकी असनाफ में मौजूआत मुतय्यन नहीं है, वो समाज के, हमारे माशरे के कोई भी मसाइल हो सकते हैं, चाहे वो सियासी हो, वो समाजी हो, इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, नफ्सियाती मामलात हों, तो उनका जिक्र अफसाने के अंदर किया जा सकता है। अब दूसरा मरहला आता है हयत का। जाहिर सी बात है, हमारे सामने जब कोई तहरीर या तख्लीक वजूद में आती है तो वो किसी न किसी शक्ल में पिरोई जाती है। अब वो कितना तवील होगा, कौन कौन सी उसकी अज्ज़ा होंगी, उन अज्ज़ा को हम अज्ज़ाए तरकीबी या अनासिर तरकीबी कहते हैं, अफसाने की अज्ज़ाए तरकीबी या अनासिर तरकीबी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपके सामने दिख रही हैं। मौजू है, प्लॉट है, किरदार है, मुकालमा है, रुदाद है जिसे मंजरनगारी भी कहा जाता है, उसलूब है और वहदत तासुर है। इतनी चीज़ें आपके अफसानवी हयत को, किसी भी तख्लीक को, किसी अफसाने को मुकम्मल करने के लिए इन अज्ज़ा से काम लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौजू की। जैसा कि हमने कहा कि मौजू मुतय्यन नहीं है, मौजू इंसानी ज़िंदगी के हवाले से हो सकता है, उसकी नफ्सियात के हवाले से हो सकता है, उसके जज्बात के हवाले से हो सकता है, समाज के हवाले से हो सकता है, माशर्ती जो मसाइल होते हैं, आपसी सियासी मसाइल, उस सियासी मसाइल का किरदार पर यानी इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, वो तख्लीकार का मौजू होता है। सियासत में क्या हो रहा है वो मौजू नहीं है, उस सियासी ज़िंदगी का एक आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है वो उसका मौजू बनेगा। इसी तरह नफ्सियाती मसाइल, इंसान की नफ्सियात में जो तब्दीलियाँ होती हैं समाज के तहत या ख़ुद उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तहत, जिसको हम वजूद कहते हैं कि उस वो अपने वजूद की तलाश में है, तो वो वजूद भी मसला है उसकी नफ्सियाती तब्दीली का। तो उसको हम अफसाने के अंदर मौजू, जिसको उसकी अज्जाए तरकीबी में मौजू के हिस्से में हम उसको रखते हैं। अब उसके बाद का हिस्सा आता है प्लॉट। ज़ाहिर है, जब कोई मौजू, कोई मवाद हमें मिल जाता है तो उसके लिए वाकये की तश्कील करनी होती है। अब वाकया जो समाज में होता हुआ दिखाई देता है वो कैसे अफसाने के अंदर पिरोया जाएगा ये हमें नहीं पता है। जाहिर सी बात है, जब कोई वाकया खारिज में यानी हमारे माशरे में वजूद पदीर होता है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि 1 से 10 वाकये, 1 से लेकर के 10 नंबर तक के वाकयात आपके किसी अफसाने के अंदर हैं। खारिज में जब उसका वजूद होता है या वकूफ पजीर होता है वो वाकया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी सीक्वेंस में होता है। लेकिन जब वो तख्लीकार अपने अफसाने में उस प्लॉट को ढालता है, उस कहानी को प्लॉट बनाता है, तो वो उसकी तब्दीली कर देता है। आप अरस्तु की तारीफ पढ़ेंगे तो वो इब्तिदा, इर्तका या जिसको वस्त कहता है, और फिर इख्तिताम। लेकिन वो सीक्वेंस वो नहीं होगी जो खारिज में मौजूद होगी, जो समाज में मौजूद होगी। अफसाने के अंदर उसकी तब्दीली हो जाती है, इसीलिए उसका नाम प्लॉट रखा गया है। और रूसी हयत पसंदों ने उसको तब्दील कर दिया किस्सा और प्लॉट,
किस्सा को उन्होंने एक नाम दिया फैबुला और प्लॉट को उन्होंने एक नाम दिया सूजेट। तो असल मामला है कि अफसाने के अंदर जो हैयत मिलती है किस्से की तरतीब की वो कहलाती है प्लॉट। उसके बाद आता है कैरेक्टर। जाहिर है जब कोई वाकया वजूद में आएगा तो वो किसी ना किसी पर पेश आएगा, तो जिस पर पेश आएगा वही किरदार कहलाएगा। वो वाकया किसके थ्रू दिखाया जा रहा है, किसके ज़रिए दिखाया जा रहा है, किस पर वकूअ पज़ीर हो रहा है। अब इसमें कोई मुख्तस नहीं है कि इंसान ही होगा, वो चरिंदो परिंद भी हो सकते हैं जिसको तमसीली कहानियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें किरदार के ज़ुमरे में आ जाएंगी और वो वाकया जिसके तहत वकूअ पज़ीर होगा वही किरदार कहलाएगा। उसके बाद आता है मुकालमा। मुकालमा आप सब जानते हैं डायलॉग बाजी को कहते हैं। डायलॉग फिल्में देखते हैं आप, दो किरदार आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, उसे कहते हैं मुकालमा। लेकिन जाहिर सी बात है देखने में, बोलने में और तहरीर में, तो तहरीर में जब मुकालमा लिखा जाता है उसमें उसकी कुछ खसूसियात होती हैं, यानी वो अल्फाज लाए जाते हैं जिससे गुफ्तगू का अंदाज़ा हो। और इसका जो कमाल है कहानी के अंदर, चूँकि हम एक बयानिया नसर पढ़ते हैं, नसर पढ़ रहे होते हैं, उस नसर में ड्रामाइत नहीं नज़र आती है, तो किरदार के आमाल और उनकी गुफ्तगू ये कहानीपन के अंदर, कहानी के अंदर ड्रामा पैदा कर देते हैं, ड्रामाइत नज़र, हरकत दिखाई देने लगती है। तो इंसान जो पढ़ने वाला कारी है वो उसके साथ, उसी कारी के साथ, उसी किरदार के साथ चल पड़ता है, वो भी सोचता है कि ये कहानी उसके आसपास की है और उसमें खो जाता है। उसके बाद है रुएदाद या मंजर निगारी। अब रुएदाद या मंजर निगारी, मंजर निगारी मैंने दो चीज़ें इसलिए लिखी हैं कि उमूमन आप पुरानी किताबों में जैसे फ़न अफसाना निगारी है या जो इब्तदाई किताबें हैं जिनमें अफसाने के अज़ा के हवाले से गुफ्तगू की गई है उसमें आपको मंजर निगारी ही ज़्यादातर मिलता है। और मंजर निगारी ये होती है कि किसी भी मंजर का बयान कर दिया जाए। लेकिन रुदात का लफ्ज़ थोड़ा वसी मानों में का हामिल है। वसी मानों का हामिल इस लिहाज से है किसी इंसान का स्केच बनाया जा रहा है तो वो भी रुदात कहलाएगा। किसी महल का स्केच बनाया जा रहा है लफ्ज़ों के ज़रिए, उसकी जो है तस्वीरकशी की जा रही है तो वो भी रुदात के ज़ुमरे में आएगा। किसी मंजर का, मान लीजिए बारिश के मौसम का जो है कि मंजरकशी की जाए तो वो भी रुदात के ज़ुमरे में आ जाएगा। यानी वो बयान जिसमें वक्त ठहरा हुआ हो वो रुदात कहलाता है। उसके बाद उसलूब है, स्टाइल यानी ज़बान का इस्तेमाल कैसे करता है। जाहिर सी बात है जो भी तख्लीकार होता है मौजू सबका सेम होता है, लेकिन अफसाने को या वाकये को तख्लीक के अंदर, उस फनपारे के अंदर बरतना और फिर उसे ज़बान अता करना, ये उसका इम्तियाज़ होता है। हर अफसाना निगार को उसकी ज़बान यानी उसका उसलूब और मौजू के बरतने का अंदाज़ यानी प्लॉट की तश्कील, उसकी बनावट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे अफसाना निगार से अलग कर देती हैं उसे। और आखिर में है वहदत तासुर। वहदत तासुर क्या चीज़ है? मान लीजिए कोई अफसाना आपने पढ़ा और अगर अफसाना पढ़ने के बाद कोई एक ऐसा तासुर आप पर कायम नहीं हो पाता है, बहुत सारी मौजूआत आपके सामने आ जाते हैं, तो गोया कि ये अफसाने में कहेंगे अफसाने का प्लॉट ढीला हो गया है या बहुत सारे मौजूआत उभर के आ जाते हैं। मान लीजिए किसी किरदार की वजाहत के लिए आपने ज़िमनी किरदार ले आए और या किसी मेन वाकये की वजाहत के लिए आपने कोई ज़िमनी वाकया तश्कील दे दिया। अब मालूम ये हुआ कि मेन वाकया ज़ाहिर होने के बजाय ज़िमनी वाकये का फोकस ज़्यादा हो रहा है और कारी खलत मबहस में है कि वो क्या करे, उसका जहन गुड़मुड हो गया है कि वो कौन सा मौजू ले कि ये अफसाना किस मौजू पर है। फला मौजू पर है, इंसानी दोस्ती पर है, इंसान दोस्ती पर है, मोहब्बत पर है, नफ़रत पर है, किस मौजू पर है। तो एक ही चीज़ एक वहदत में ढल करके वो तासुर कारी के जहन पर असरअंदाज होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम वहदत तासुर। तो गोया कि ये तमाम चीज़ें आप अगर देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें अलग अलग हैं जो अफसाने के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वहदत तासुर उसी वक्त कायम होगा जब कारी पूरे अफसाने को पढ़ लेगा या उसकी करत कर लेगा। अब इसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं उर्दू अफसाने के इर्तका पर, कैसे आगाज़ हुआ। हमारे यहाँ पहले दास्तानें थीं, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए, इस्तेमारी निज़ाम कायम हुआ, अंग्रेज़ी निज़ाम कायम हुआ, तो उन्होंने हमारी कहानियों को, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो किस्से मौजूद थे या दास्तानवी अंदाज मौजूद था वो अकीदे की बुनियाद पर मौजूद था।
कोई भी कहानी में कोई भी किरदार आ सकता था, जिन्न, परी, भूत। तो और ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी जहन के ख़िलाफ़ हैं। इंसान का जहन हर चीज़ को सबब और मुसब्बब यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट की बुनियाद पर पहचानता है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन दास्तानों की कहानियों में ऐसा नहीं होता था। उसके बाद तो उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से हमारे यहाँ नावल दाखिल हुआ। नावल के बाद फिर अफसाने की तश्कील हुई, अफसाना भी लिखा जाने लगा। अफसाने की इब्तिदा कब से हुई है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और आज तक अफसाने में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, मौजूआत में क्या तब्दीली आई है, उस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहला अफसाना 1903 ईस्वी में मखज़न के शुमारे में शाया हुआ, नसीर और खदीजा के उनवान से। इस अफसाने के खालिक थे राशिदुल खैरी। पहले अफसाना नगार में आप कई किताबें पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न में कोई सज्जाद हैदर यलदरम को कहता है कि उर्दू का पहला अफसाना नगार है, कोई कहता है कि प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना नगार हैं, इसी तरह अली महमूद को भी कुछ लोग कहते हैं कि वो उर्दू के पहले अफसाना नगार हैं। लेकिन अब चूंकि ये रिसर्च के ज़रिए, तहकीक के ज़रिए, तहकीकी मकालों के ज़रिए ये बात साबित हो चुकी है कि उर्दू का पहला अफसाना या नसीर और खदीजा है, जो जिसे राशिदुल खैरी ने तख्लीक किया है, और वो दिसंबर 1903 ईस्वी के मखज़न के शुमारे में रिसाला निकलता था मखज़न के उनवान से, उस शुमारे में शाया हुआ है। और दूसरा अफसाना अली महमूद का है, शाहों के उनवान से, मखज़न के ही शुमारे में शाया हुआ, जनवरी 1904 ईस्वी में। इसी तरह वजारत हुसैन ओरैनवी का अफसाना है, अफसाना हिरमा यानी मर्गे महबूब, ये भी शाया हुआ 1905 ईस्वी में। इसी तरह प्रेमचंद का अफसाना दो, बीच में सद्दात हैदर यलदरम और सुल्तान हैदर जोश के भी अफसाने हैं, दोस्त का खत और नावीना बीबी के उनवान से। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का अफसाना बहुत मशहूर अफसाना है, जो उनके मजमू सोज़े वतन के उनवान से उनके अफसानों का मजमू शाया हुआ था, उसमें शामिल है। और ये पहली बार शाया हुआ 1908 ईस्वी में शाया हुआ। अब इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि दूसरे लोगों ने प्रेमचंद को पहला अफसाना नगार क्यों माना, राशिदुल खैरी को क्यों नहीं माना। जाहिर सी बात है, उस ज़माने में जब अफसाना तख्लीक वजूद में आती है उसके बाद रिसर्च की जाती है कि कौन सा अफसाना पहले है, तो कुछ लोगों को मिलता है, रसाई नहीं हो सकती है उन शुमारों तक जिनमें वो अफसाने छपे हैं, तो जहाँ जैसा जैसी रसाई होती है आदमी लिख देता है और दोबारा उस पर रिसर्च जारी रहती है। तो सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा के उनवान से शाया हुआ। अब ये अफसाने का मौजू बहन और भाइयों के आपसी मामलात के हवाले, रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू की गई है, और ख़त के उनवान में। तो ये भी कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो पहला अफसाना लिखा गया ख़त की टेक्निक में लिखा गया, जैसे ख़त लिखते हैं कि बरादरन पहले अलकाब व आदाब लिखते हैं, फिर दुआ सलाम होती है, फिर उसके बाद खैर खैरियत की जाती है, फिर मसले पर मुद्दा पर आया जाता है, बयान किया जाता है क्या मामला है, और फिर आखिर में लिखने वाले का नाम। तो इसी टेक्निक में ये अफसाना लिखा गया, और प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बहुत मशहूर अफसाना है, इसलिए प्रेमचंद को अफसाने की दुनिया का, उर्दू अफसाने की दुनिया का पहला नाम बताया गया। उसका सबब यह है कि प्रेमचंद ने जो अफसाने को ममाद और टेक्निक जो दी है वो हकीकी ज़िंदगी से बहुत करीब, और अफसाने का मामला ये था कि वो हकीकत से बहुत करीब हो। बाद लोगों ने कहा है कि ये ज़िंदगी का दूसरा, ये नहीं है कि जो वाकया खारिज में वकूह होगा वही अफसाने में बयान किया जाता है, बल्कि खारिज में वकूह होने वाला अफसाना सबब और मुसब्बब की बुनियाद पर, वाकया सबब और मुसब्बब की बुनियाद पर मरबूत होता है। तो अफसाने में भी जो वाकया दिखाया जाएगा वो भी उसी तरह कनेक्ट होगा। मान लीजिए किसी के घुटने में चोट आई है तो चोट आने के लिए कोई चीज़ सबब बनी होगी, ठोकर लगा होगा, कहीं गिर पड़ा होगा, इसलिए उसके पैरों में चोट आई है। तो आपको ये सबब और मुसब्बब के रिश्ते को अफसाने के अंदर दिखाना होगा, तभी ये माना जाएगा कि ये हकीकत से बहुत करीब है। अब अफसाने की शुरुआत जिस सदी में हुई है वो ज़माना 1903 का है, 20वीं सदी के आगाज़ का ज़माना है। हम सब जानते हैं आज़ादी के लिए कशमकश हो रही थी, 57 में अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया, और उनसे छुटकारे के लिए और जो उनका ज़ुल्म जबर था उसको दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए और दूसरे इंसानों के जो मसाइल थे उस ज़माने के, उन्हीं चीज़ों को पेश करने के लिए उस ज़माने जो अफसाने लिखे जा रहे थे वो इस्लाही नुक्ते नज़र से लिखे जा रहे थे।
हकीकत का बयान भी उसमें मौजूद था, लेकिन ज़्यादा फोकस होता था कि समाज की इस्लाह की जाए। और उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी तहरीकें भी चल रही थी जो समाज की इस्लाह के लिए काम कर रही थी। सर सैयद भी उसी अहद में थे। तो उसको हमने कई हिस्सों में कैटेगराइज किया है। जाहिर सी बात है 123 साल उर्दू अफसाने की उम्र हो चुकी है, तो ये एक तवील ज़माना है। 100 साल और 23 साल और 123 साल का अरसा गुजर चुका है। इस ज़माने में बहुत सारे अफसाना निगार आए, बहुत सारे अफसाने लिखे गए, लेकिन शोहरत हर ज़माने में गालिब अफसाना निगार को होती है। कुछ अफसाना निगार ऐसे होते हैं या नावल निगार ऐसे होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, उनकी कहानियाँ बहुत मशहूर होती हैं, इसीलिए वो पूरी सदी पर हावी होते हैं। तो इस मुख्तसर से लेक्चर में जो आप लोगों को कोशिश की जाएगी कि इर्तिका के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, तो सब उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा बनाया गया है तरक्की पसंदी से कबल उर्दू अफसाना। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है। अब उससे पहले 1903 से लेकर के 1936 के ज़माने में इस्लाह पसंदी, रुमान पसंदी और हकीकत पसंदी का अहद कहा जाता है। यानी इस दौर में जो भी मौजूआत आपको मिलेंगे उन अफसानों में या तो इस्लाह की बात की जाएगी माशरे में इंसान के लिए, समाज की इस्लाह की बात की जाएगी, या फिर रुमानी दौर उसी ज़माने में चला, साथ साथ पैरेलल चलता है, मुतवाजी तीनों चीज़ें, और हकीकत पसंदी का भी रुझान रहा। इस्लाह पसंदी अगर देख लिया जाए तो राशिदुल खैरी के यहाँ, राशिदुल खैरी के अफसानों में इस्लाह पसंदी का दौर सबसे ज़्यादा नुमायाँ है इस्लाह पसंदी का। और उनके अफसानों के मौजूआत में मुतवस्सित मुस्लिम माशरा, इस्लाह दिसवां, तहजीबी व तमुद्दनी जवाल, उनका तहफ़्फ़ुज़ और हुब्बुल वतनी, ये तमाम मौजूआत अल्लामा राशिदुल खैरी के अफसानों में पाए जाते हैं। अगर मशहूर अफसाने उनके देखे जाएँ तो शरा का खून, महरूम विरासत, सियाह दाग और अफरात व तफरीत, ये उनके मशहूर अफसाने हैं। उसी अहद में मुतवाजी अफसाना रुमान पसंदी का भी चल रहा था। रुमान पसंदी गोया रोमांटिक कहानियाँ, जिसको हम कहते हैं इश्किया कहानियों पर मबरी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ उसमें इश्क ही बातें होती थी, बल्कि उसके ज़रिए भी हमारे अफसाना निगारों ने इस्लाह का काम लिया। इंसानी नफ्सियात का, इंसानी रिश्तों में जो खामियाँ थी उसको समाज के सामने, माशरे के सामने लाने की कोशिश की है। उनमें जो मशहूर नाम है वो सज्जाद हैदर यलदरम का। प्रेमचंद के ही अहद में रुमानियत व तखयली, ज़्यादातर कहानियाँ इनकी तखयल के हवाले से हुआ करती थी, और तुर्की तराजिम की मारिफत से उन्होंने रुमान पसंदी को उर्दू अफसाने में शामिल किया और इस्लाही और मकसदी अफसाने लिखे। इनके मशहूर अफसानों में खारिस्तान व गुलिस्तान, चिड़िया चिड़ी की कहानी वगैरह हैं। अब इसके बाद जो तीसरा नाम है हमारे यहाँ वो मुंशी प्रेमचंद का है, जो हमारे लिए संगमील की हैसियत रखते हैं। और वो संगमील इसलिए कहा जाता है कि वही उसी हकीकत पसंदी को जो प्रेमचंद ने तश्कील दिया, उसकी नींव रखी, बाद में तरक्की पसंद अहद में उसे पूरा एक रुझान, एक तहरीक बना दी गई उसी हकीकत पसंदी के रुझान को। प्रेमचंद का मजमुआ सोज़े वतन के उन्वान से इस्लाही व हकीकत पसंद अफसाने वजूद में आए। उसमें समाज की इस्लाह के लिए, समाज में जो बुराइयाँ थी, जो कमियाँ थी, उसको प्रेमचंद ने जाहिर करने की कोशिश की। प्रेमचंद का खासा ये है कि उन्होंने शहरी ज़िंदगी के बजाय गांव, जो हिंदुस्तान का देहात का हिस्सा था, वो देहाती इंसानों के मसाइल को, उस माशरे में पाए जाने वाले फर्जुदा मौजूआत को अपनी कहानियों में उन्होंने जगह दी। इब्तदाई शुरुआत इस्लाही हवाले से है, इस्लाह की कहानियाँ लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छुआछूत, फ़िरका परस्ती, रिश्वत, बेईमानी, बेवा के मसाइल, महाजन, इन तमाम मसाइल को उन्होंने अपने अफसानों में जगह दी। दो बैल, गिल्ली डंडा और कफन इनका सबसे मशहूर अफसाना है। ये तीन अफसाना निगार जो हमारे हैं ये अहसास हैं। इन तीनों अफसाना निगारों के असरात हमारे यहाँ बाद के आने वाले अफसाना निगारों पर पड़ी, और उसी के तहत सबसे ज़्यादा जिनके असर पड़े हैं वो मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू अफसानों पर असरात जो उस ज़माने में पड़े, वो इस्लाह पसंदी और हकीकत पसंदी की नुक्ते नज़र के सबब पड़ा। जो हकीकत पसंदी का नुक्ते नज़र उन्होंने अख्तियार किया, अपनाया अपने अफसानों में, यानी माशरे की कहानियों को उठा करके उसको अफसाना बना दिया, उन वाकयात को उठाया और उसे अफसाने में ढाल दिया। तो इंसान जो कारी पढ़ता था उसे अपने ही
ज़िंदगी अपने आसपास अपने अतराफ़ की चीज़ें महसूस होती थी। उस ज़माने में जो मशहूर नाम है सुदर्शन, आज़म किरेवी, अली अब्बास हुसैनी, हकीम यूसुफ हसन, हामिदुल्ला अफसर, उपेंद्र नाथ अश्क वगैरह हैं जिन पर प्रेमचंद के असरात सबसे ज़्यादा पड़े हैं। अब उसी दौर में अहद प्रेमचंद में ही एक मुतवाजी रुझान भी था, रोमानी अफसाने का, जो सज्जाद हैदर यलदरम के तहत आया था। उस ज़माने में इन कहानियों का जो गालिब मौजू था वो हुस्न व मोहब्बत और जिन्स का मौजू गालिब रुझान के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। उसमें सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज फतेहपुरी, हिजाब इम्तियाज अली, मजनू गोरखपुरी, हकीम अहमद शुजा, नजर सज्जाद हैदर और सैयद आबिद अली आबिद शामिल हैं। अब इसके बाद आता है 1936 का दौर। तो 1936 से पहले 1932 के करीब एक मजमूआ शाया हुआ अंगारे के उन्वान से, ये समझ लीजिए कि ये बुनियाद थी, इसने नींव रखी थी तरक्की पसंद तहरीक की। इस मजमूए में हमारे जो अफसाना निगार शामिल थे उन्होंने माशरे की फरसूदा रसूम व रवायात से बगावत का ऐलान कर दिया था। इसीलिए बाज़ लोगों ने इसका उन्वान कायम किया है अंगारे, बगावत की एक आवाज़, बगावत की इब्तिदा। तो जो फरसूदा रसूम व रवाज थी माशरे में पनप रहे थे, जिनका जुल्म इंसानों पर हो रहा था, बराह रास्त इंसानों पर जिसका जुल्म हो रहा था, वो तमाम चीज़ें इन अफसानों के ज़रिए माशरे में पेश किया गया। कुल 9 अफसाने इस ज़माने में इस मजमूए के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है 1936 का दौर, तरक्की पसंद अफसाना। तरक्की पसंद अफसाना हकीकत निगारी का समझ लीजिए दूसरा नाम था। तरक्की पसंद अफसाना जब हम कहेंगे तो तरक्की पसंदों का एक रुझान था कि माशरे में जो मसाइल वजूद में आ रहे हैं उनको हूबहू उसी तरह उठा करके अफसाने के अंदर या नज़मों के अंदर दाखिल कर दिया जाए। उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। उसका नुकसान ये हुआ कि जब अफसाना, जब कोई वाकया हम लेते हैं तो तख्लीककार उसे अपनी तख्लीकी अमल की भट्टी में पकाता है, उसके बाद वो अफसाने को फनपारे की शक्ल में वजूद में लाता है। जब हूबहू जो कहानी वजूद में आई और उसको उठा करके हूबहू हम अफसाने में पेश कर देंगे तो वो सपाट हो जाएगी, उसकी कहानी बिल्कुल सपाट नज़र आएगी। इसीलिए मैंने प्लाट के हिस्से में कहा था कि प्लाट को तोड़ देता है, यानी प्लाट को तोड़ने के मानी ये हुए कि वाकयात की तरतीब बदल देता है, और वाकयात की तरतीब बदलने से जो वक्त का धारा है वो भी मुड़ जाता है, माजी हाल में आ जाता है, हाल माजी में चला जाता है, मुस्तकबिल को हाल में ले आता है। तो ये तमाम चीज़ें वो करता है, और ये सिर्फ अफसाना, नावल या कहानी के अंदर या कहानी के दौर पर मबनी या वाकये की बुनियाद पर जो भी असनाफ कायम होंगी उनमें ही तख्लीककार को ये कुदरत हासिल होती है कि वाकयात को तब्दील कर दें। तो तरक्की पसंद के ज़माने में मुतवस्सित और पसमानदा अफराद अफसाने का मौजू थे। अमीर इसका मौजू नहीं था, जागीरदार उसका मौजू नहीं था, ज़मींदार उसका मौजू नहीं था। कौन था? वो तबका माशरे का जो इन तमाम लोगों की जबर व जुल्म का शिकार था, उनको बराह रास्त उनके मौजूआत को, उनके मसाइल को उठाया गया और अफसाने में पेश करके दुनिया को ये बताया गया कि इनके मसाइल क्या हैं, लोगों को ये बताया गया कि इनके मसाइल क्या हैं। ज़मींदारों, सरमायादारों, मिल मालिकों के इस्तेहसाल को मौजू बनाया गया, हक़ व इंसाफ़ की आवाज़ उठाई गई, गरीब तबके को हिमायत और हमदर्दी हासिल हुई तरक्की पसंदों के ज़रिए। इस दौर के मशहूर अफसाना निगारों का अगर आप देखेंगे तो प्रेमचंद का नाम है, अहमद अली हैं, अजीज़ अहमद हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, शहादत हसन मंटो हैं, जो है राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इस्मत चुगताई हैं, हयातुल्ला अंसारी हैं, अख्तर हुसैन हैं, सुहेल अजीम आबादी, खदीजा मस्तूर, गयास अहमद गद्दी वगैरह, ये अपने दौर के मशहूर अफसाना निगार हैं। इनमें से अगर मैं चुनना चाहूँ तो प्रेमचंद को, अजीज़ अहमद को, ख्वाजा अहमद अब्बास को, शहादत हसन मंटो को, तो शहादत हसन मंटो को और राजेंद्र सिंह बेदी को, ये दो अफसाना निगार उस अहद में ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की पसंद यानी हकीकत निगारी के रुझान को बरकरार रखते हुए एक नई रविश भी अपनाई है, जो अफसाने को के अदबी जो लवाजमात थे उनको मलहूज रखा है। प्रेम जो है शहादत हसन मंटो के अफसानों में, जो है मशहूर अफसानों में अगर देखा जाए तो नया कानून है जो तरक्की पसंद हवाले से ही लिखा गया है, बांझ है, फुंदने हैं, इसी तरह कृष्णचंद्र उस ज़माने में सबसे ज़्यादा तरक्की पसंदी दौर में अगर देखा जाए अफसाने लिखने वालों में तो कृष्णचंद्र है, इनका बहुत मशहूर अफसाना कालू भंगी है,
जो एक निचले मजदूर तबके की कहानी है उसके मसाइल को उठा करके बयान करने की कोशिश की गई है माशरे के सामने। राजेंद्र सिंह बेदी ने औरतों के मसाइल पर, समाज के मसाइल पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तकसीम हिंद के मौजूआत भी अब यही अफसाना नगार जब 1947 यानी 1936 में शुरू हुआ, 1947 में जब आज़ादी मिली तो एक सानहा भी पेश आया तकसीम हिंद का। तो उसके बाद वो मौजूआत इन अफसाना नगारों के यहाँ भी मौजूद हैं, तरक्की पसंद अफसाना नगारों के यहाँ भी मौजूद हैं। और उसके बाद का दौर 1960 के बाद दौर शुरू होता है जदीद अफसाने का दौर, जो हेडिंग कायम की गई है जदीद अफसाने का दौर। इसमें जो मशहूर अफसाना नगार हैं आप देखेंगे तो इंतज़ार हुसैन हैं, कुरतुल्लाह हैदर हैं, अनवर सज्जाद हैं, बलराज मेंड्रा हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं, खालिदा हुसैन हैं, इसके अलावा रशीद अमजद भी। जाहिर सी बात है जब हम तरक्की पसंद से अफसाने से जदीद अफसाने को अलग करेंगे तो उसकी कुछ अपनी खसूसियात होंगी। वो खसूसियात ये हैं कि ये दौर जो तकसीम हिंद के तहत वाक़ हुआ, दो हिस्से में मुल्क तकसीम हुआ, तो बहुत सारे मसाइल यके बाद दीगरे मुसलसल पैदर पे वजूद में आ गए। लोगों को सबसे पहले ज़बान पर रोक लगाई गई, आप बरमला सियासत के मुतालिक या हुक्मरानों के मुतालिक कोई चीज़ कह नहीं सकते थे, या जिस आज़ादी की ख्वाहिश रखते थे वो आज़ादी जो मिली वो उस तरह की नहीं थी जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। तो इसके तहत जो मसाइल शुरू हुए वो इंसान यहाँ गरीबुल वतनी का, यानी एक मुल्क से अपने दयार से छूट जाने का, दूर जाने का, कत्लो गारत गरी पैदा हुई, मसाइल पैदा हुए, हिजरत का कर्म, एक जगह से दूसरे जगह अपने अज्जा वकारी को छोड़ कर जाने का पेश आया। तो ये तमाम चीज़ें अफसाने के अंदर भी दाखिल हुई। जाहिर सी बात है वो सिर्फ उस ज़माने में तरक्की पसंदों के यहाँ सबसे ज़्यादा वजूद में थी, मजबूती के साथ कायम थी, सबसे ज़्यादा अफसाने लिखे गए। तो इन्होंने क्या किया, अब इज्तिमा के मसाइल को, तरक्की पसंद क्या कर रहा था, माशरे के मसाइल को उठाता था और अफसाने में बयान कर देता था। जदीद दौर के अफसाना नगारों ने यह किया, इज्तिमा के बजाय उन्होंने अफराद को, फ़र्द के मसाइल को बयान करने की कोशिश की। तो यानी इज्तिमाइयत के बजाय इनफरादियत का मसला इनके यहाँ उठा, खारजियत के बजाय, खारिज के मसाइल को बयान करने के बजाय उन्होंने इंसान के दाखली यानी नफ्सियाती ज़िंदगी को, उसके वजूद के मामले को अफसानों में पेश करने की कोशिश की। अब जब ये चीज़ें, जाहिर सी बात है मौजू जब तब्दील हो गया तो हयत भी तब्दील हो जाएगी। अब हयत में क्या तब्दीलियाँ हुई वो सबसे बड़ी चीज़ हैं जो उसकी अज्जाए तरकीबी में है। प्लाट सिरे से गायब हो गया, किस्सा कहाँ शुरू होता है, सबब कहाँ है, मुसबब कहाँ है, मालूम ही नहीं होता था, आदमी पढ़े चला जा रहा है। तो प्लाट को गायब कर दिया, किरदारों के नाम के बजाय अलीफ बे यानी अल्फाबेटिकल नाम रख दिए जाते थे या वो भी नहीं होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी बुनने के लिए अब वो चीज़ें जब हमारे नक्कादों ने, हमारे कारईन ने पढ़ा तो बाद में उस पर लिखने वालों ने लिखा कि नहीं, एहसास के तौर पर यानी ज़हनी वाक़ियात के तौर पर वो चीज़ें मरबूत होती हैं, अगरचे अफसाने की किरत के वक्त वो जाहिर नहीं होती, लेकिन बज़ाहिर आप देखेंगे तो वाकया गायब हो गया। और जो फ़िज़ा की तश्कील की जाती, मंजर निगारी की जाती थी, वो सब चीज़ें उन्होंने गायब कर दी और इंसान के वजूद के मसाइल को बयान करने के लिए या अपने ज़ाती मसाइल को बयान करने के लिए उन्होंने जो पैराए बयान अख्तियार किया वो अलामती, तमसीली, तजरीदी तरीक़ा इजहार की तश्कील की। अब जाहिर सी बात है अलामत जब इस्तेमाल होती है तो अलामत के कोई एक मानी नहीं लिए जा सकते, कोई शय खसूसियात की बुनियाद पर बनाई जाती है। इसी तरह इस्तिहाराती ज़बान वजूद में आती है तो इस्तिहारा लुगई मानी नहीं होते कि ये बात हुई तो ये मानी उसके डिक्शनरी में देख के मालूम हो जाएंगे, वो इस्तलाही माने खल्क करता है। और बाज़ दफ़ा वो करत के दौरान मानी की तब्दीली होती रहती है, मुनासबात बदलते रहते हैं और लफ्ज़ अपने मानी बदलता रहता है। तो इसलिए इनको समझने में, इन अफसानों की तफहीम में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, जिसकी वजह से जदीद अफसाना कारीन से दूर होता गया, उसको कारी मयसर नहीं आया। इसी ज़माने में दो अफसाना नगार ऐसे मिलते हैं, कुरतुल्लाह हैदर और इंतज़ार हुसैन, जिनका गालिब मौजू तारीख और तहजीब रहा है, हिंदुस्तान की तारीख और उसकी तहजीब रहा है। ये दोनों अफसाना नगार जदीदियत के दौर में मौजूद रहे, जदीदियत के लवाज़ यानी अदबी लवाजमात को भी मलहूज रखा, प्रोपेगंडा नहीं बनने दिया और अफसाने में उन लवाजमात को
जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी अजसाए तरकीबी में शामिल है, उन सब को कायम रखते हुए इन्होंने अफसाना लिखा। इसीलिए इस दौर में सबसे हावी अफसाना नगारों के तौर पर ये जाने जाते हैं, मशहूर और मकबूल अफसाना नगारों के तौर पर ये दोनों जाने जाते हैं। इसके बाद का दौर है जदीद अफसाने का दौर, जो 1960 से 1980 तक चला जदीद अफसाने का दौर। 80 के बाद आज तक जो चल रहा है वो जदीद अफसाने के बाद का दौर है। जदीद अफसाने के बाद का जो दौर शुरू हुआ उसमें वापसी हुई किन चीज़ों की, उन चीज़ों की जो जदीदियत के दौर में मिनहा कर दी गई थी, छुपा दी गई थी, यानी किरदार गायब हो गए थे, वाकयात की वो तरतीब जो हकीकत निगारी के हवाले से थी वो गायब हो गई थी, उसे वापस लाया गया, किरदार वापस लाए गए, अलामतों को छोड़ा गया, सादा बयानिया का जो है का उसलूब अख्तियार किया गया ताकि जो बात कही जाए वो कारी के समझ में भी आए, उसके माशरे से वो ज़बान भी खल्क की। और बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में बदल रही हैं। मवाद जदीद अफसाना जिसको हम कहते हैं, उन अफसानों में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या बयान हो रहा है के बजाय वो कैसे बयान किया जा रहा है, ये असल मौजू होता है। कोई मानी कोई मौजू बयान किया गया, मान लीजिए मोहब्बत का मौजू पेश किया गया है किसी अफसाने में, मसला ये नहीं है कि क्या कहा गया, कौन किरदार था, किसने किससे इश्क किया, कौन लोग उसके अपोजिट में आए, कौन लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, तो ये सब मसला नहीं है, बल्कि वो मौजू जो हम दिखाना चाहते हैं वो कैसे तश्कील पाता है, उसके अंदर कैसे बनता है, वो मावाद जदीद अफसाने का यानी जदीद अफसाने के बाद के दौर का सबसे अहम मौजू रहा है। इस दौर के मशहूर अफसाना नगारों में मंशायात, नैयर मसूद, असद मोहम्मद खां, काजी अब्दुलसत्तार, इकबाल मजीद, सलाम बिन रज्जाक, शौकत हयात, अनवर खान, अब्दुलसमद वगैरह के नाम अहम हैं। जीलानी बानो भी हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ, मदहरुज़्ज़मा, और आखिर में नाम लूँगा मैं खालिद जावेद का। खालिद जावेद जो हमारे उर्दू के सबसे अच्छे मौजूदा अहद में अफसाना नगार भी हैं और नावल नगार भी हैं। इसके अलावा एक नाम और ऐड कर लीजिए, अनीस, प्रोफेसर अनीस अशफाक का, जो नावल में भी अच्छी कुदरत रखते हैं और अफसाने में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो अफसाने का वाकया इस दौर में आकर के सदाकत की पाबंदी से आज़ाद हो गया। तरक्की पसंद के ज़माने में ये था कि वो हकीकत पर मबनी होगा, यानी वो वाकया कहीं ना कहीं खारिज में मौजूद होगा, समाज में कहीं ना कहीं वो हुआ होगा। अब क्या किया, यहाँ पर लाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अफसाने का बयान किया गया वाकया अगरचि वो समाज में कहीं पर पेश आया है, लेकिन फिर भी वो सदाकत की पाबंदी से सच्चा होगा या झूठा है ये उस पाबंदी से आज़ाद होगा। हमवार बयानियाँ यानी कहानीपन की वापसी हुई, किरदार वापस आए, वाकया वापस आया, तो कहानीपन की भी वापसी हो गई, प्लाट तश्कील दिया जाने लगा और किरदारों की नफ्सियाती सूरत हाल को बयान करने की कोशिश की जाने लगी। और एक चीज़ इस अहद में और हुआ कि तारीख को भी हमारे अफसाना नगारों ने अफसाने के तौर पर देखने की कोशिश की। जाहिर सी बात है तारीख जो है वो गैर अफसानवी बयान है, हकीकत पर मबनी होगा, उसमें झूठ का शायबा भी नहीं होगा, लेकिन हमारे अफसाना नगारों ने तारीख को भी अफसाने के तौर पर देखने की कोशिश की और तारीख के मौजूआत को उठाया, उनको अफसाने की शक्ल में ढाला और कहा कि तारीखी मुतून में भी या मुतून के दरमियान जो बातें छुपी रह गई, मतन के दरमियान जो बातें छुपी रह जाती हैं जिनका जिक्र तारीख निगार नहीं करता है, मौरिख नहीं करता है, उसको हम अफसाने के अंदर बयान करने की हमारे अफसाना निगारों ने कोशिश की। उसमें दो अहम नाम हैं, असद मोहम्मद खां और नैयर मसूद। असद मोहम्मद खां की कहानियाँ मशहूर कहानियों में बासौदे की मरियम है, मई दादा है और कूड़ा घर है, नैयर मसूद का अफसाना इतरे काफूर है, ताऊस चमन की माना इनका सबसे मशहूर अफसाना है जो लखनऊ के तहजीबी जवाल पर या कह लीजिए वाजिद अली शाह के किरदार को उसमें मौजू बनाया गया है। तो गोया कि जो अब इस दौर में हमारे यहाँ कहानियाँ लिखी जा रही हैं वो तरक्की पसंदी से और जदीदियत के अहद में जो कहानियाँ लिखी गई उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि हकीकत निगारी का जो तसव्वुर तरक्की पसंदों के ज़माने में था, यानी अफसाने में जो चीज़ दिखाई जा रही है वो आपके माशरे में मौजूद है, लेकिन अब आपके अफसाने में जो चीज़ दिखाई जा रही है वो आपके माशरे में मौजूद होगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन
जो हकीकत यहाँ बयान की जा रही है वो किसी न किसी शक्ल में आपके माशरे में मौजूद होगी। तो मौजू के बजाय किसी मतन को मौजू बनाया गया है, खारजी वाक़े के बजाय। तो नुमाइंदा अफसाने अगर देखा जाए इस ज़माने में तो अशरफ की कहानियाँ हैं, लकड़बग्घा सीरीज़ की, डार से बिछड़े, बादे सबा का इंतज़ार, नैयर मसूद की कहानी है, इतरे काफूर, सीमिया, ताउस चमन की मायना, असद मोहम्मद खां की मशहूर कहानी है, बासौदे की मरियम, मई दादा, नर्मदा, हारा हुआ परिंदा, सलेब पर टगा समंदर, ये दो कहानियाँ मजहरुज़्ज़मा की हैं, कुबड़ और पेट की तरफ मुड़े हुए घुटने, ये तमाम कहानियाँ जो इन दोनों ने लिखी, मजहरुज़्ज़मा और खालिद जावेद ने, ये इंसान के नफ्सियाती और वजूदी मसाइल के हवाले से लिखी है। अब आखिर में हम देखते हैं कि ये 123 साल का जो सफ़र है उर्दू अफसाने का, ये बहुत ताबिंदा रहा है, बहुत रोशन रहा है। मौजूआत की तब्दीली आई और हयातों की भी तब्दीली आई है, लेकिन अब अफसाना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी मौजूआत दिन ब दिन बदलते रहे हैं और मौजूआत बदल रहे हैं और अफसाना इंसानी किरदार के नफ्सियाती हवाले से आगे बढ़ रहा है। और हमारे लिखने वालों में, मशहूर लिखने वालों में जो इस अहद के बड़े नामों में से हैं, वो नैयर मसूद का और असद मोहम्मद खां का नाम है। आपका लेक्चर ही ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।